नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम फिट है तो हिट है में आपका स्वागत है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर होती वायु प्रदूषण की स्थिति ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वैसे तो जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है, लेकिन हर सांस अगर गंभीर बीमारियों या मौत को दावत दे तो सवाल यही उठता है कि जिए तो जिए कैसे बिन साफ हवा के। प्रकृति ने मनुष्य को कुछ चीजें उपहार में दी हैं, जैसे जल, धरती, हवा, सूर्य, चांद, नदियां, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज संपदा। लेकिन विकास की अंधी दौड़ कह लें या मनुष्य के लालच की सीमा का नहीं होना, प्रकृति के सभी उपहारों का हमने बुरा हाल करके छोड़ दिया है। अब दिल्ली और उसके आसपास क्या हो रहा है देख लीजिए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी बेहाल हैं। लोगों के मन में कई सवाल हैं। दिल्ली में प्रदूषण पंजाब या हरियाणा के किसानों की ओर से पराली जलाए जाने से बढ़ा है, वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण बढ़ा है, त्योहारों पर चलाए जाने वाले पटाखों से बढ़ा है या किसी अन्य कारण से। हमारी आपको सलाह है कि इन सवालों की चिंता छोड़कर आप तो बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों के साथ ही आजकल तमाम तरह की एयर प्यूरिफायर कंपनियों के दावों के चक्कर में मत पड़िए, अपना समय और पैसा भी बर्बाद मत करिए। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे प्रदूषण के समय आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और यह काम आप बिना किसी एयर प्यूरिफायर के कर सकते हैं। प्रदूषण के दिनों में आप यह ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले घर से बाहर नहीं निकलें। योग आदि करना हो तो घर पर ही करें। नारियल पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव से आपको बचाता है। भोजन भी संतुलित करें और मौसमी फल तथा सब्जियों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। सुबह और शाम को आंखों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। साथ ही जल नेति का उपयोग भी प्रदूषण के दिनों में करना लाभकारी रहता है। घर में एयर प्यूरिफायर की जगह प्रदूषण से लड़ने की ताकत रखने वाले पौधे रखना लाभकारी रहता है। पौधे लगाते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि एक ही जगह 10-12 पौधे रख दें तो यह सही रहेगा। ऐसा करने के बजाय पूरे घर में जगह जगह 2-3 पौधे रखने चाहिए। जो पौधे प्रदूषण से लड़ सकते हैं उनमें तुलसी का पौधा, स्नेक प्लांट यानी नाग पौधा, बैम्बू पाम, स्पाइडर प्लांट और एरेका पाम प्रमुख हैं। ये जो पौधे हमने आपको बताए हैं उनमें एरेका पाम को छोड़ दें तो यह सभी बेहद सस्ते हैं और इनकी देखरेख भी बेहद आसान है। प्रदूषण जब ज़्यादा हो तो घर में 3 या 4 बार गीला पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में धूल के कण बिल्कुल नहीं रहेंगे। ज़्यादा प्रदूषण के दिनों में घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कोई भी मास्क आपको ज़्यादा समय सुरक्षित नहीं रख सकता, इसलिए ज़्यादा देर खुले में नहीं रहें। खासकर जिन लोगों को सांस की समस्या है उनके लिए मास्क ज़्यादा उपयोगी नहीं है। 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन सुबह शाम करने से बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सुबह खाली पेट तुलसी की कुछ पत्तियों का सेवन करें। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए सुबह शाम नीम की कुछ पत्तियों या लहसुन की एक कली का सेवन भी कर सकते हैं। घर से बाहर जाने से पहले तिल या सरसों का तेल या देसी घी को हल्का सा गर्म करें और फिर उसे ठंडा करके 2-3 बूंदे नाक में अंदर की तरफ लगाने से एलर्जी पैदा करने वाली चीजें अथवा धूल कण सांस के जरिए शरीर के भीतर नहीं पहुंच पाते। घर पर ही एयर प्यूरिफायर आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा। एग्जॉस्ट फैन तो आपके घर पर होगा ही। आपको बस इतना काम करना है कि बाजार से फिल्टर खरीद कर लाएं और इसे एग्जॉस्ट फैन पर सेट कर दें। यह फिल्टर आपको बाजार में 500 से 1000 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे और एग्जॉस्ट फैन के साथ लगकर आपके घर की हवा को काफ़ी हद तक साफ कर देंगे। YouTube पर आप इससे संबंधित कई वीडियो भी देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन पर फिल्टर को किस तरह से लगाना है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। फिट है तो हिट है कि अगली कड़ी में आपके साथ जुड़ेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए आप प्रभासाक्षी।